हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के पार्ट 1 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बारे में। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने सारे ऐसे क्वेश्चंस को कवर कर रखा है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा है। सो बिना देर किए चलते हैं हम जल्दी से अपनी वीडियो में। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें यूनिट 3 से, जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, डिस्क्राइब वेरियस ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज अगर हम बात करें तो इसका यूज हम करते हैं क्रिएट इंटरैक्टिव वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है चीजों में फंक्शनैलिटी देना। मतलब कह सकते हैं हम, जैसे एचटीएमएल क्या करता है कि हमारा जो भी कंटेंट होता है उसको शो कराने का काम करता है। सीएसएस का हम यूज करते हैं, जो भी हमारा कंटेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टाइल यानी कह सकते हैं ब्यूटीफुल दिखाने के लिए अपनी वेब पेज को क्या करते हैं, उसमें डिजाइनिंग वाला पार्ट सीएसएस से कवर करते हैं। अब क्या करता है कि जो फंक्शनैलिटी वाला वर्क होता है, ठीक है, वो किससे, किसके हेल्प से होता है, जावास्क्रिप्ट पूरा करता है। तो जावास्क्रिप्ट एक तरह की हाई लेवल इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, इंटरैक्टिव वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशंस में करते हैं। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट क्रिएट हुई थी नेटस्केप इन 1995 और इसको अभी मेंटेन किसके द्वारा किया जा रहा है, मोजिला फाउंडेशन के तहत, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट एक तरह की क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड क्या होता है, दो साइड होती है, एक क्लाइंट साइड होता है, दूसरा सर्वर साइड होता है। तो क्लाइंट साइड क्या होता है, जहां पे यूजर वर्क करता है उसको क्लाइंट साइड कहते हैं। सर्वर साइड क्या होता है, जहां पे क्या होता है कि डेटा रखे होते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा का एक्सेस करते हैं सर्वर के ऊपर से, तो सर्वर साइड होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। इसका मतलब यूजर जो वेब ब्राउजर में वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं कि क्लाइंट साइड हो गया। अगर हम बात करें इट इज यूज्ड टू फंक्शनैलिटी टू स्टैटिक एचटीएमएल पेज, तो अभी हमने बात किया था इसका काम क्या होता है, फंक्शनैलिटी को ऐड करने का काम करता है एचटीएमएल पेज के ऊपर या पेज में जो भी कंटेंट होते हैं कंटेंट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट एक तरह की यूनिवर्सल लैंग्वेज है दैट कैन यूज्ड फॉर वेरियस टास्क इंक्लूडिंग फॉर्म वैलिडेशन। मतलब कह सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने क्या कह दिया कि फॉर्म वैलिडेशन में मतलब हमने मोबाइल नंबर एक इनपुट इनबॉक्स ले लिया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चाहिए कि यूजर से मोबाइल नंबर चाहिए। अब मोबाइल नंबर हमने मान लिया कि 10 डिजिट का होना चाहिए, अगर यूजर उससे कम डालता है तो ये फॉर्म क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्म वैलिडेट, मतलब सबसे पहले फॉर्म को वैलिडेट करता है क्या जो जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। उसके बाद एनिमेशन हो गया, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, इन सारी चीजों को कौन डन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। जो जावास्क्रिप्ट है इसका सिंटैक्स सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक C++ एंड जावा की तरह ही होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, एक तरह की फैमिलियर लैंग्वेज है, जो अदर लैंग्वेज होती है उसी तरह से ये भी वर्क करती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जो जावास्क्रिप्ट है वाइडली यूज फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसका ज्यादा यूज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे किया जाता है। ये अलाउ करती है जो डेवलपर क्रिएट पावरफुल स्केलेबल एंड वेब एप्लीकेशन यूजिंग द सिंगल लैंग्वेज फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पे वर्क कर सकते हैं और एक पावरफुल वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं या वेब एप्लीकेशन का डेवलप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो जावास्क्रिप्ट है एसेंशियल लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट एंड यूज, इसका जो यूज होता है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या होता है और वेरियस ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एंड ऑब्जेक्ट, जो जावास्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट बेस्ड है। तो कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की यानी आल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज, कीज क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, यूनि आइडेंटिफाई। अब जैसे कोई भी डेटा है यहाँ पे,
मान लिया हमने यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। अब बटन के कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पॉइंट। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये सारे क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करता है अदर ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सबसे पहले हम बात करें बिल्ड इन ऑब्जेक्ट। जो बिल्ड इन ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट आर बिल्ड इन टू जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर पहले से बिल्ड होता है एंड आर अवेलेबल टू ऑल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, जितने भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम होते हैं उनके लिए ये यूज होते हैं, या कह सकते हैं पहले से अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट, वेरियस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट है, तो क्या है, बिल्ड इन ऑब्जेक्ट, यानी जो पहले से बिल्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट के नाम जानते हैं। ये क्या हो गया, पहले से। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल से कि कैसे, ठीक है, तो जैसे मैथ ऑब्जेक्ट हो गया, व्हिच इज प्रोवाइड मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैथ ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैथ ऑब्जेक्ट पहले से अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर बना है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिविजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डेट ऑब्जेक्ट हो गया, डेट ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेट को रिप्रेजेंट करने, डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से बिल्ड इन रखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे ऑब्जेक्ट्स की, जो है कि होस्ट ऑब्जेक्ट, होस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रोवाइड बाय वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, या कह सकते हैं अदर होस्टिंग इन्वायरमेंट इन जावास्क्रिप्ट कोड इज रनिंग। हम किसी भी होस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर जहां क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंक्लूडिंग द विंडो ऑब्जेक्ट, अब विंडोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो और टैब, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है करेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को। अगर हम किसी कंपाइलर पे जाके जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो एक तरह का दूसरा होस्ट हो गया। उसके बाद आता है यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट। यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसको यूजर खुद बनाता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दीज आर ऑब्जेक्ट दैट आर क्रिएट बाय द प्रोग्रामर टू मीट स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। अब क्या है कि प्रोग्रामर को जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को बनाता है। यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, फंक्शन हो गया, और यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन, मतलब तीन तरह से आई थिंक करते हैं इसमें, क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, फंक्शंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट हो गया, लिटरल नोटेशन के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो चौथा हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर हम बात करें, एवरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैज ए प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, प्रोटोटाइप मतलब कि जिस तरह से अगर हमारे पास कोई यहां पे बटन है, हम इस बटन पे क्लिक करें तो इस पेज पे आ जाने चाहिए, ठीक है। इस पेज पे अगर मान लो कि हम होवर करते हैं, ठीक है, तो नेविगेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या कहती है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है, विच इज यूज टू न्यू प्रॉपर्टी एंड मेथड टू द ऑब्जेक्ट। अब क्या करता है, जैसे हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते तो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के जरिए नई प्रॉपर्टी के ऊपर हमें लैंड कराता है, या कह सकते हैं कि नई प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर देता है। मैंने प्रॉपर्टी और मेथड आर फाउंड इन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जावास्क्रिप्ट विल लुक फॉर इन द ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप चैन हो गया, ठीक है। उसके बाद डोम ऑब्जेक्ट हो गया। डोम ऑब्जेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसका फुल फॉर्म होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल पेज सच एज ए फॉर्म और बटन, ठीक है। अब कह सकते हैं जो डोम ऑब्जेक्ट होता है, ये जो एचटीएमएल के अंदर लिखी चीजें होती हैं सच एज ए फॉर्म हो गया, बटन हो गया, ठीक है, टेबल हो गए, इन सारी चीजों को हम डोम ऑब्जेक्ट के हेल्प से इंटरेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं द डोम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड ए वे फॉर जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विथ दीज ऑब्जेक्ट एंड मैनिपुलेट दैट डायनेमिकली। अब क्या कर सकते हैं, आप जैसे कोई बटन हो उसके साथ हमें इंटरेक्ट करना है विद जावास्क्रिप्ट के साथ, तो हम किसका यूज करेंगे, डॉम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा फंक्शन ऑब्जेक्ट आता है। फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या करता है कि फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन ऑब्जेक्ट आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, मीनिंग दे कैन यूज पास्ट एंड आर्ग्यूमेंट टू द अदर फंक्शन, ठीक है। अब हम फंक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल लाइन को रिड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ कोड्स को रिड्यूस करते हैं, जहां पे हमारी जो भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को बनाते हैं। जैसे यहां पे क्या कर रहा है कि आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में, रिटर्न करते हैं फ्रॉम फंक्शन एंड स्टोर द वेरिएबल। उसके बाद हम कर सकते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड जस्ट लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी अदर ऑब्जेक्ट की
तरह होता है, ठीक है। तो आई थिंक आई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन है कि कंपेयर जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, कह रहा है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट को कंपेयर करो, और कह रहा है कि राइट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट फाइव नंबर, ठीक है, पांच नंबर उसमें से बड़ा अमाउंट हमको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द जावा एंड जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो क्या है जावा और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस, तो देखते हैं। तो जो जावा लैंग्वेज है इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो जावा स्क्रिप्ट होती है एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट यानी कह सकते हैं ऊप्स की काम वर्क पे कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, टोटल चीजें ऑब्जेक्ट। अगर जावा को आपको समझना है तो ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड चीजें होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें वर्क करना होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन जावा के अंदर क्या होता है, सारी चीजें प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में होती है। अब जावा अगर बात करें तो जावा इज ए स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली टाइप हो गया, और यहाँ पे लूजली टाइप लैंग्वेज हो गया, ठीक है, विच मीन्स द यूजर हैज टू डिसाइड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग एंड द यूजिंग इट। सबसे पहले यूजर क्या करता है, डिसाइड करता है डेटा टाइप को और वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले। लेकिन यहां पे क्या करता है कि यूजर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द डेटा टाइप एंड वेरिएबल बिफोर द एंड आफ्टर द डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है कि कहीं भी हम किसी भी डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। यहां पे कह रहा है फॉर एग्जांपल अगर इंट ए है द वेरिएबल ए कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप ओनली। लेकिन यहां पे फॉर एग्जांपल अगर वेयर ए हो गया द ए वेरिएबल कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप, अब हम ए को किसी डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जो जावा प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्राम दैट शुड बी कंपाइल बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है, कंपाइल होता है एग्जीक्यूशन से पहले। लेकिन यहां पे क्या करता है कि जावा स्क्रिप्ट टू नीड इंटीग्रेट इनटू द एचटीएमएल प्रोग्राम फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, सबसे पहले उसको इंटीग्रेट करता है एचटीएमएल प्रोग्राम के साथ। क्योंकि भाई देखो जो भी वर्क होता ऑब्जेक्ट बेस्ड होता, वो ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा होता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जावा तो क्या कर रहा है कि वेब ब्राउजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रन जावा प्रोग्राम। अब जावा के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे एक कंपाइलर की नीड होती है जहां पे क्या करें कि हम आउटपुट देख पाते हैं। लेकिन वेब जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि वेब ब्राउजर का हम यूज करते हैं इसके आउटपुट्स को देखने के लिए। आप भाई किसी वेबसाइट को बना रहे हैं रन टाइम, तो रियल टाइम में हम क्या करते हैं वेबसाइट के ऊपर वर्क करते हैं और वहां पे जाके ब्राउजर के ऊपर जाके चेक करते हैं कि हमारा वर्क प्रॉपर कर रहा है या नहीं। उसके बाद कह रहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू द लर्न। एक कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लर्न करना हो जाता है, एक कह सकते हैं इजी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। लेकिन आप दोनों लैंग्वेज कह सकते हैं सिमिलर, अगर आप एक को सीख लेते हैं तो दूसरी को सीखना आसान हो जाता है। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीख लेते हैं तो दूसरी आसान हो जाती है, क्योंकि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जावा के अंदर यूटिलाइजिंग मल्टी थ्रेडिंग यूजर कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है। जावा के अंदर क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया, यूजर जो भी मल्टी थ्रेडिंग हो गई, इन सारी चीजों को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि यूजर इज नॉट एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क, यूजर क्या कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इट्स रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। जावा प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि लार्ज मेमोरी आप अमाउंट की नीड हमें पड़ती है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर दैट अमाउंट ऑफ द मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी की नीड नहीं, क्योंकि सारी चीजें ओवर द ब्राउजर होती है। जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम द्वारा हुआ है, और यहाँ पे डेवलप बाय नेटस्केप द्वारा हुआ है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सेव फाइल होती है डॉट जावा एक्सटेंशन के जरिए होती है, और इसमें क्या होती है डॉट जीएस एक्सटेंशन के जरिए होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है जावा और जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट फाइव नंबर, ठीक है। यहाँ पे पांच नंबर ले लिया हमें, उसमें से बड़े नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। डिफाइन एंड एरे ऑफ फाइव नंबर, ठीक है, हमने एक एरे डिफाइन कर लिया फाइव नंबर का, ठीक है। तो एरे क्या हो गया, लेट से नंबर क्या हो गया, हमारे पास पांच नंबर हो गया, ठीक है। इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल टू स्टोर द लार्जेस्ट नंबर, अब एक इनिशियलाइज वेरिएबल हम कर लेते हैं नंबर्स जीरो के नाम से, हमने एक रख लिया लेट से लार्जेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया लेट से लार्जेस्ट जो भी होगा उसको नंबर
के अंदर हम रखेंगे। अब उसके बाद हमने आइट्रेशन यानी लूप लगाया यहाँ पे अरे टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जो कि सारी वैल्यू को चेक कर देगा। यहाँ पे फॉर लूप लगाया, लेट आई की वैल्यू हमने 1 रखा, 1 से आइट्रेशन हमारा स्टार्ट होगा, और आई की वैल्यू लेस देन रखा नंबर डॉट लेंथ से। नंबर डॉट लेंथ मतलब कितना लेंथ होगा, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 फुल लेंथ है, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस यानी अपने हम कर्सर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अगर अब कह रहा है कि इफ अगर नंबर की वैल्यू जो आई हमने अज्यूम की है, ठीक है, आई है वो अगर ग्रेटर है लार्जेस्ट से, मतलब लार्जेस्ट जो भी वैल्यू उससे ग्रेटर है, तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर आई हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट कराने के लिए क्या किया, कंसोल, ठीक है। प्रिंट के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग हो गया, द लार्जेस्ट नंबर इज प्लस लार्जेस्ट हो गया। अब जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं या फिर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, कह रहा है कि एक्सप्लेन द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट विद सूटेबल एग्जांपल। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं, फंक्शन होते क्या है, तो इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का यूज करने का मकसद क्या है, सारी चीजें सिमिलर होती हैं। ए फंक्शन इज ए फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट कैन कॉल्ड एंड एग्जीक्यूट व्हेन वी नीड, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है कि एक लाइन ऑफ कोड का ब्लॉक होता है, मतलब कुछ हमने लाइंस लिखे, इसी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन को अगर हमने एक बार बना लिया तो अब होल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम जहां भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमें जब भी नीड होगी हम इन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब मान लो हमें कह रहे हैं दो नंबर का एडिशन करना, अब हमें मान लिया हमने कोई प्रोग्राम लिख रहा है दो नंबर को स्वैप करने का, हमने एक प्रोग्राम बना लिया। अब ये प्रोग्राम हमारे पेज में मल्टीपल बार यूज हो रहा है, तो मल्टीपल बार तो इसका हम क्या बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, और जहां जहां हमें नीड पड़ेगी दो नंबर को स्वैप कराने के लिए हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मतलब इससे हमारा क्या फायदा क्या हुआ कि हमारी जो टाइम था, मतलब कोडिंग करने का टाइम था, नंबर ऑफ लाइंस कम लिखने पड़े, टाइम कंज्यूम होने से हमारा बचा। तो यहाँ पे कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो फंक्शन होता है आर टू ऑर्गेनाइज कोड मेक द मोर रीयूजबल, ठीक है, हम उसको रीयूजबल कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, एंड मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, ठीक है, आसानी से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमें वैल्यू चेंज करनी, एक जगह हम चेंज करेंगे सारी जगह है वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आगे बात कर रहा है, हियर एन एग्जांपल सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट टेक्स इनटू टू नंबर्स पैरामीटर इन द रिटर्न देयर सम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन एक बना लिया एड नंबर के नाम से, ठीक है, एड नंबर्स के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर पैरामीटर नंबर 1 नंबर 2 हमने दे दिया। लेट सम कह रहा है कि लेट सम में हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ दिया, यहाँ पे रिटर्न हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब हमें जहां भी फंक्शन कॉल करना होगा एड नंबर से लिखेंगे, हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेट्स रिजल्ट एड नंबर, एड नंबर के अंदर हमने 3, 5 को पास किया, कंसोल डॉट लॉग, रिजल्ट आउटपुट हमारा 8 आ गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल का यहाँ पे कह सकते हैं समरी या फिर डिस्क्रिप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।